योगः कर्मसु कौशलम् अर्थात कर्मों की कुशलता ही योग है। योग की प्रासंगिकता यानी रेलिवेंस दिनों दिन बढ़ती जा रही है। लोग धीरे धीरे योग के महत्व को समझ रहे हैं और उसे अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच हम पहुंच गए एक योग कार्यक्रम में, जहां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से ठीक एक दिन पहले बाबा रामदेव बच्चों से योग करवा रहे हैं। ये बच्चे योग क्रियाएं काफी कुशलता से करते दिख रहे हैं, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि योग उनकी दिनचर्या में शामिल है। बाबा रामदेव ने योग के संबंध में हमसे क्या बात की, सुनिए। मैं 50 सालों से योग कर रहा हूँ, 35 सालों से करवा रहा हूँ, 35 ईयर से। योगा फॉर सेल्फ एंड योगा फॉर सोसाइटी, योगा फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, योगा फॉर हेल्थ, योगा फॉर पीस, योगा फॉर यूनिटी, योगा फॉर यंगस्टर्स, ये पूरे थीम्स हैं योग के। और योगा फॉर वेलनेस, योगा फॉर पीस, इसके मकसद ये हैं कि आप जब योग करते हो ना, तो ये सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप फिट होते हैं, और जब आप खुद अच्छे होते हैं ना, तो आप एक अच्छे समाज का, एक अच्छे राष्ट्र का और एक अच्छे युग का निर्माण करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो मैं तो सबसे कहूँगा, खुद योग करें और समाज को योगी बनाने में सहयोग करें, तो हम, हमारा समाज, हमारा राष्ट्र और ये सारा विश्व बहुत अच्छा होगा। साथ ही स्वामी रामदेव ने विश्व में योग को मिल रही पहचान का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और उनकी सराहना की। ये सच है कि योग युगों युगों से था, कहीं कंदराओं में, कहीं गुफाओं में, या कुछ विशिष्ट व्यक्तियों के बीच उलझ के रह गया था। हमें निमित्त मनाया भगवान ने, हम 25 लाख किलोमीटर देश में घूमे और आज घर घर तक, जन जन तक योग पहुंचा है। विश्व में योग को गौरव दिलाने के लिए प्रधानमंत्री जी ने यूएनओ में प्रस्ताव रखा, इंटरनेशनल योग डे मनाया जा रहा है। योग के प्रति एक अवेयरनेस, योग के प्रति एक आदर हुआ है, और इससे एक तरफ अपने पूर्वजों की ज्ञान की विरासत को आदर मिला है, और दूसरी तरफ इससे पूरी दुनिया को लाभ भी बहुत मिला है। लोग अपने, चाहे लाइफ स्टाइल डिजीज़ हैं, चाहे क्रॉनिक इनकरेबल डिजीज़ हैं, फिजिकल के साथ मेंटल स्ट्रेस आदि, इसको अच्छे से मैनेज कर पा रहे हैं और एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी पा रहे हैं।